नमस्कार, सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र वर्मा और मैं इस समय जिस लोकेशन में खड़ा हूं, यह है त्रिकुटा नगर का एरिया, मार्बल मार्केट के बिल्कुल साथ में लगते हुए एरिया में इस समय मैं मौजूद हूं। और आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले 7 मरले में बना हुआ घर, सिंगल स्टोरी, जिसमें 3 BHK है, 3 बेडरूम, लॉबी, किचन और 2 बाथरूम के साथ एक स्टोर और एक छोटा सा पूजा रूम भी आपको देंगे। और जिसकी प्राइस जो है बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही सेंट्रिक प्लेस में है और इसकी प्राइस जो है जस्ट हम 1,70,00,000 में हम आपको ये पूरा घर दे देंगे और आपको इनसाइड से पूरा दिखाते हैं और एक एक करके आपको सारा जो है टूर करवाते हैं। आए आपको घर का पूरा एरिया दिखाएं। मेन गेट से एंटर करते हुए ये सबसे पहले हम आपको जो एरिया दिखा रहे हैं ये है पार्किंग का एरिया। आप इस समय देख रहे हैं कि इस पार्किंग में एक हैचपैक गाड़ी और 2 व्हीलर्स वगैरह जो है ऑलरेडी पार्क्ड हैं। आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कितनी बड़ी स्पेस जो है आपको पार्किंग के लिए मिल रही है। और पार्किंग एरिया दिखाने के बाद आपको दिखा रहे हैं छोटा सा लॉन, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ। और ये देखिए जिसमें सारे फ्लावर्स वगैरह और डिफरेंट टाइप के जो हैं प्लांट्स वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी ग्रोन हैं, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे ये इस समय जो है ब्लूम कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे इस घर की एंट्री जो है 2 डोर्स के साथ है। ये जो मैं डोर आपको दिखाने वाला हूँ ये है ड्राइंग रूम का डोर और उसके बाद आपको लॉबी से भी पूरा एरिया दिखा देंगे। अब हम आपको ड्राइंग रूम के रूट से आपको इनसाइड में ले जा रहे हैं। तो ये आ गया ड्राइंग रूम का एरिया। और ये देखिए बड़े अच्छे साइज का यहाँ पे ड्राइंग रूम आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो आप इस रूम को एज ए कमर्शियल यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं एक साइड पे बहुत बड़ी विंडो जो है इस रूम में आपको नज़र आ रही है और जिससे सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पे इस रूम में पहुँच रही है। और दूसरी साइड में आपको दीवारों पे आप दिखा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ PVC पैनलिंग वगैरह की है फुल जो है वॉल के ऊपर। ड्राइंग रूम का पोर्शन दिखाने के बाद अब हम पहुँच गए हैं लॉबी के एरिए में। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे साइज़ का वास्ट साइज़ की आपको लॉबी यहाँ पे दिखाई जा रही है। और इसमें भी आप देख रहे हैं जो वॉल्स पे हैं ये PVC पैनलिंग का काम किया हुआ है और काफ़ी अच्छा साइज़ है इसमें। और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं एक सोफ़ा सेट जो है 6 सीटर सोफ़ा सेट लगाया गया हुआ है, एक फ्रिज है और एक 6 सीटर जो है यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी रखा गया हुआ है। और सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉश बेसिन आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी बड़े साइज़ की लॉबी आपको मिल रही है। और मैं आपको दूसरी एंट्री जो है मेन एंट्री जो है ये लॉबी में डायरेक्ट जो जाती है वो इस समय दिखा रहा हूँ। और ये डोर जो है दूसरा एंट्री का पॉइंट है, अगेन आपको दिखाते हैं इनसाइड में ले जाके। और इसी के साथ आप देख रहे हैं ये जो स्टेयर्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं इस घर में यूज़ होने वाली एक बार फिर से लॉबी का एरिया। काफ़ी अच्छे साइज़ की लॉबी हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, 7 मरले में ये बना हुआ पूरा घर है। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसी घर में यूज़ होने वाली एक किचन, सेमी मॉडल किचन है, बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज्ड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ जो चिमनी वगैरह ऑलरेडी सेटल है यहाँ पे और गीज़र वगैरह लगा हुआ है, RO सिस्टम भी लगा हुआ है। और उसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे एक विंडो लगी हुई जो आपको आउटसाइड जो है देखने के लिए काम आती है और प्रॉपर स्टैंड वगैरह सारा कुछ इसमें लगा हुआ है। और अब हम ले चलते हैं आपको इस घर में, इस लॉबी में यूज़ होने वाला वॉशरूम दिखाते हैं। तो ये आगे हम वॉशरूम में, यहाँ पे आपको इंग्लिश सीट दी जा रही है और इस वॉशरूम में भी एक गीज़र है और साथ में ही फैन वगैरह लगा हुआ है। टाइल्स वगैरह भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दीवारों पे लगाई गई हुई हैं। और अब हम यहाँ से निकलते हैं और आपको दिखाते हैं एक छोटा सा पूजा रूम और उसी के साथ हम आपको दिखाएंगे एक कटआउट। तो ये हम पहुंच गए हैं पूजा रूम में। तो ये देखिए आपको छोटा सा पूजा रूम आपको यहाँ पर ये भी दिखाया जा रहा है। और इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे लॉबी के साथ लगता हुआ एक कटआउट, यहाँ से फ्रेश एयर वगैरह और सनलाइट जो है यहाँ पे पहुँचती है बड़े अच्छे तरीके से। ये आ गया कटआउट, तो ये देखिए थ्रू है पूरा ये कटआउट, आपको यहाँ से भी काफ़ी अच्छा जो है फ्रेशनेस रहती है, विंडोज़ वगैरह लगी हुई हैं साइडों पे। और अब हम आपको ले चलते हैं फर्स्ट बेडरूम में, काफ़ी अच्छे के साइज़ के जहाँ पे बेडरूम्स बने हुए ये हम पहुँच गए हैं बेडरूम के एरिए में। तो ये देखिए बहुत बढ़िया साइज़ का 14x15 का यहाँ पे बेडरूम आपको दिखाया जा रहा है इस समय। और आप देख रहे हैं बहुत बड़े साइज़ की एक विंडो लगी हुई है उसी में जो
जो है विंडो एसी लगा हुआ है, और इसी के साथ एक डोर पीछे की तरफ है जो कटआउट है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आगे पूरा कटआउट का एरिया, बैक कटआउट। दूसरा बेडरूम आपको दिखाना चाहते हैं, तो इस समय हम पहुंच गए दूसरे बेडरूम के एरिया में। दोनों रूम जो हैं आइडेंटिकल है, 14x16 के रूम यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। और इस रूम में भी आप देखेंगे बहुत बड़े साइज की विंडो जो है एक साइड पर लगी हुई है, और इसके बैक साइड में कटआउट है, और इसमें भी आप देख रहे हैं विंडो एसी जहाँ पे ऑलरेडी फिटेड है। और ये सारा एरिया आपको इस समय हम रूम का दिखा रहे हैं, डबल बेड लगा हुआ है, अलमीरा वगैरह लगी हुई है, काफ़ी स्पेस बची हुई है, और एक छोटा सिंगल सेट भी, सिंगल जो है दीवान वगैरह लगा हुआ है। और इसी रूम के साथ एक छोटा सा स्टोर मिल रहा है आपको, ताकि जो भी आपका घर का एक्स्ट्रा सामान हो वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। और अब हम आपको दिखाते हैं इसके साथ अटैच बाथरूम। ये हम पहुँच गए हैं बाथरूम के एरिया में, यहाँ पे आपको इंडियन सीट मिल रही है। ग्राउंड फ्लोर का पूरा एरिया दिखाने के बाद अब हम आपको ले चलते हैं रूफ टॉप के एरिया में, वहाँ से हम आपको पूरा एरिया का व्यू करवाएंगे, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा ये लोकेशन जो है प्रॉपर्टी की कहाँ पे है, और बिल्कुल सेंटर प्लेस में जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो अब हम पहुँच गए छत के ऊपर, रूफ टॉप के ऊपर। आपको आसपास के जो है बिल्डिंग वगैरह दिखाई जा रही हैं, लोगों के घर दिखाए जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे कोठियाँ बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं। और अब हम आपको एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे फ्लैट्स बने हुए हैं, फ्लोरेंस फ्लैट्स जो बने हुए हैं बहुत ही रेनाउंड है। बस इन्हीं फ्लैट्स के पास ही ये प्रॉपर्टी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। 7 मरले में बना हुआ ये घर है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज, 3 BHK, 3 बेडरूम लॉबी किचन और 2 बाथरूम के साथ। दोस्तों मैंने आपको 7 मरले में ये बना हुआ घर पूरा इनसाइड से टूर करवा दिया है। लोकेशन के बारे में बता दीजिए, त्रिकुटा नगर का मार्बल मार्केट का एरिया है, यहाँ से हाईवे बिल्कुल पास में है, मार्केट सारी जहाँ पे बिल्कुल साथ ही के एरिया में टच करती है। और प्राइस बहुत ही नॉर्मल, 1.70 करोड़, 1.70 करोड़ में ये आपको घर दे रहे हैं, और बड़े से तरीके से बना हुआ, आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। पार्किंग भी आपको मिल रही है और छोटा सा लॉन भी आपको मिल रहा है। मैं चाहूँगा आप हमारे इस वीडियो को जैसे शेयर कर दो, हो सकता है आपके किसी दोस्त को, आपके किसी चाहने वाले को त्रिकुटा नगर एरिया में ऐसे ही घर की तलाश होगी, तो आप हमारा ये वीडियो शेयर करके उनकी तलाश को ख़त्म करें, उनकी हेल्प करें। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे वीडियो जैसे शेयर करने के लिए बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपको नई से नई प्रॉपर्टी जो है दिखाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।